ये रही तुम्हारी बाकी की रकम। तुम्हें अपना वादा याद है ना? याद है, मगर ना तुम्हें पता है ना मैं ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रही। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो मेरा ना हो सका उसे भी कभी उसकी मोहब्बत ना मिल पाए। क्या बात है, तुम खामोश क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कुत्सिया को इब्राहिम से दूर कैसे करूं। मेरी हर मुमकिन कोशिश के बाद भी मैं हमेशा नाकाम हूं। क्या मतलब, इब्राहिम अब भी? हाँ, अब भी वो कुत्सिया के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। फिर अब तुम क्या करोगी? मैं कुछ भी करूं, किसी भी हद तक जाऊं, मगर हार नहीं मानती। और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूं। अनाया। हाय रिदा। अमारा, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? या फिर मेरे यहाँ आने पे पाबंदी है? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। ओके अनाया, आई विल सी यू देन, फिर मुलाकात होती है। बाय बाय। अनाया, ये अमारा यहाँ पे क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऑफिस आई थी किसी काम से, अचानक मुझसे मुलाकात हो गई। तुम बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? तुम अचानक कैसे आ गए? वो तो सही रहा, लेकिन यार कुत्सिया के बारे में सब कितनी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। अब जब वो इतनी अजीब और चीप वीडियोस अपलोड करेगी तो सब बातें तो करेंगे ना। और उसकी वीडियोस तुमने भी तो देखी हैं, वो तुम्हें भी भेजती थी। यही तो प्रॉब्लम है यार, कुत्सिया ने वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने उसको इतना इंसिस्ट किया लेकिन उसने फिर भी वीडियो अपलोड नहीं की। मेरी समझ से बाहर है कि सबके पीछे कौन है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। तुम क्यों गिल्टी हो? मुझे लगता है वहाँ किसी ने शरारत में मेरे फ़ोन से अपलोड कर दिया है। तुम्हें तो पता है मेरे बारे में, मुझे शादी भी कहाँ होश होता है। एनीवे यार, मुझे कुत्सिया को मिलना है, मैं चलती। रिदा, कहिए क्या कहने आई हैं आप? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, बस तुम्हें सुनना है। एक दोस्त बनकर, तुम्हारी माँ बनकर। तो फिर मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। अनाया, मगर क्यों? क्योंकि दोस्त आप मेरी है नहीं, उम्र का फर्क है, और माँ आप कभी मेरी बन नहीं सकते। माँ ना सही, माँ जैसी तो जो तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हें सुन सकती है, तुम्हारा दुख बांट सकती है, तुम्हारी राजदा बन सकती है। अनाया, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो या कुछ शेयर करना चाहती हो मुझसे कर सकती हो, या कोई ऐसी बात जो तुम अशफाक से करना चाहती हो, जीजा की वजह से नहीं कर पाती, तुम मुझसे कहो, मैं अशफाक से बात करूंगी। क्या बात करेंगी आप? किस हैसियत से बात करेंगी उनसे? मेरी दोस्त बनकर, मेरी माँ की जगह खुद को रखकर, या फिर उनकी एक्स फियांसे बनकर? अनाया, तुम में इतनी कड़वाहट क्यों भर गई है? क्यों इतनी गुस्से में रहती हो? जब जिंदगी में अकेलेपन और तन्हाई का जहर पल पल पीना पड़े तो लहजे में कड़वाहट आ ही जाती है। और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ और भी कहना बाकी रह गया है। मुझे चलना चाहिए। और हाँ, आप इधर आई, कंसर्न शो किया, उसके लिए थैंक यू। अनाया,
जिंदगी में जितनी भी कड़वाहट पड़ जाए लेकिन उम्मीद की खिड़कियां हमेशा खुली रखनी चाहिए, ताकि जिंदा रहने के लिए सांस लेना आसान हो जाए।